विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भाजपा ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। श्री नैना देवी क्षेत्र के हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी और आशा वर्कर जहां पर माता श्री नैना देवी जी का मोमेंटो देकर सम्मानित किए गए, तो वहीं फूलों की वर्षा भी की गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने इन योद्धाओं का व्यापक सम्मान किया और इस महामारी के कार्यकाल में डटकर लोगों की सेवा करने का आह्वान भी किया। रणधीर शर्मा ने कहा कि हमारे लिए ये योद्धा पूरा दिन रात हॉस्पिटल में डटे हैं ताकि बीमारों की जिंदगी बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि हम सबको इनका सम्मान करना चाहिए ताकि इनका हौसला बढ़े और ये अच्छे ढंग से काम कर सकें। उन्होंने इससे पहले पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क भी वितरित किए और अब दूसरे चरण में चिकित्सा स्टाफ को सम्मानित करके श्री नैना देवी से अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इस मौके पर भाजपा के राज्य कार्यकारी सदस्य आशुतोष शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष मनीष शर्मा सहित कई अन्य लोगों ने इन योद्धाओं को फूलों की वर्षा करके सम्मानित किया। पार्टी के दिशा निर्देशानुसार आज हमने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माँ श्री नैना देवी जी के चरणों से ये अभियान शुरू किया है कि इस कोरोना महामारी में जिन्होंने सबसे आगे बढ़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर इस लड़ाई को लड़ा है, उनका धन्यवाद किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। पुलिस कर्मियों को मैंने इससे पहले चरण में सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स बांटकर उनका धन्यवाद किया था, उनका सम्मान किया था। और इस चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य अधिकारियों का धन्यवाद और सम्मान करने के लिए आज से अभियान शुरू किया है। एक प्रतीक चिन्ह के रूप में देकर इनका सम्मान किया है ताकि इनका हौसला बढ़े, इनका प्रोत्साहन हो और ये आगे और ज़्यादा मेहनत से इस काम में लगें। मैं अपनी ओर से, समस्त जनता की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, हिमाचल सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से इन कोरोना योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मानव जाति सदैव इनके योगदान को याद रखेगी। मैं महामाई नैना देवी से कामना करता हूँ कि इन सब का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, ये भी स्वस्थ रहें और इनके प्रयासों से हम सब भी स्वस्थ रहें। कोरोना महामारी से ये लड़ाई हम सब मिलकर जीतें, इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर इन कोरोना योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।